और बलरामपुर जिले में एक ऐसा होनहार है जिसको भगवान ने जन्म से ही दोनों हाथ और पैर नहीं दिया है, लेकिन वो मदद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। जिले के अधिकारी भी दिव्यांग आशीष की तारीफ करते हुए नहीं थकते। शंकरगढ़ जनपद पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत आशीष सोनी अपने आप को सभी किसी दूसरे काम कम दूसरे से कम नहीं समझते। 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रहे आशीष के दोनों हाथ पैर नहीं होने के बावजूद भी वे कंप्यूटर, मोबाइल और स्कूटी चला लेते हैं और रोज 18 किलोमीटर का सफर तय करके रोजाना शंकरगढ़ जनपद आना जाना करते हैं। उनका कहना है कि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनकी कमाई से घर चलता है। उसका हाथ पैर, दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, लेकिन वह अपने दिव्यांगता को पीछे छोड़कर वह बहुत अच्छा कार्य करता है और एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य जो वर्कर होते हैं उससे तेज गति से वह काम कर। तस्वीरें बलरामपुर की आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक विकलांग व्यक्ति भी हमको काम करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर एक जज्बा है, अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। गाड़ी चलाना उसे आता है, मोबाइल चलाना आता है, उसको काम करना आता है, अपने परिवार का भरण पोषण तक ये दिव्यांग कर रहा है। और फिलहाल